यार इतने बड़ा मसला है इंडिया पाकिस्तान का। मैं गलती नाल बोलता कि मैं इंडिया वाले फरीदकोट तो हां। लाहौर वाला कुवत। यू अली परवेज। मैं सरबजीत। यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया। यू आर फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम फरीदकोट। बस एक चीज की कमी रह गई। और कहते हैं असल पार्टीशन तो पंजाब का ही हुआ है। सही बात है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पंजाबियों ने फेस की है। दोस्तों आज हम एक पंजाबी मूवी के ट्रेलर पर रिएक्शन करेंगे, जी वे सोनिया जी स्टारिंग इमरान अब्बास, सिमी चहल, रिलीजिंग ऑन 16th February। तो भाई ये जो है इमरान अब्बास की शायद फर्स्ट पंजाबी मूवी है और ये इंडियन पंजाबी मूवी है बताया जा रहा है। और सिमी चहल इसमें एक्ट्रेस है, मतलब पाकिस्तान का एक्टर और इंडिया की एक्ट्रेस। भाई मजा आएगा देखने में। देख लेते हैं भाई पहले ट्रेलर, फिर आगे बहुत सारी बातें करेंगे। शुरू करते हैं अभी को। आज तो 76 साल पहला पंजाब तो पंजाब वक होया सी। उस दिन तो लेके आज तक हर चढ़दे ते लंदे पंजाबी दा इक्को एक सुपना। हाँ जी किधर? वो कुछ नहीं सर, अंबरसर चलिया सी, इतवार दा दिन सी, मैं सोचा पहलवान दे कुलचे भी खाई। 11 प्लेटां साडियां पैक करा लिया हो। और कोई हुकम सर? भाई साहब बॉर्डर से ही बनाइए। ओ भाई साहब क्या लोकेशन है। एहसास थे कि मिल जावे कोई अपना। कोई गुमशुदा होने ले कर रहा है आवाज की। पता है सारा कुछ लिखा होता है, इट्स ऑल फेट, इट्स मैजिक। इसलिए बाबा जी ने तुम्हें भेजा, एक इंडियन नो इंडियन दे हेल्प करने ले। यार इतने बड़ा मसला है इंडिया पाकिस्तान का। मैं गलती नाल बोलता कि मैं इंडिया वाले फरीदकोट तो हां। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਰਬੀਤ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੇ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ? ਓਏ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝੂਮਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿੱਦਣ ਟਿੱਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। DSDB ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਾਂ। अब उसको सच्चाई पता चल गई। झूठ लगाए हुए ना तू इस चेहरे पीछे। ओ आ मेरी मेन प्रॉब्लम, यू प्लान्ड इट, दैट्स यू। एक दूजे नु मिले नहीं क्या खूब कहानी। ओ भाई बड़ी बेवकूफा मैं, मुंह चाक के दुनिया तक उमड़ निकल पी, पर ये नहीं सी पता दुनिया बुरी कितनी। गलत तो किता सी तुसी। ते किस्सा खत्म हो चुका। ओ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੋਵੇ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ। ਯਹੀ ਤੋ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਕਲਚਰਸ ਕੋ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਟੱਪਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ये बात तो है भाई के पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का तो हुआ ही था, लेकिन पंजाब का जो है उसका भी पार्टीशन हुआ था। और कहते हैं असल पार्टीशन तो पंजाब का ही हुआ है। सही बात। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पंजाबियों ने फेस की है। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन तो हुआ ही था, साथ में पंजाब का भी पार्टीशन हुआ था। सर माना तो ऐसे ही जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ, मेनली हुआ तो पंजाब का ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान पंजाब ने झेला है, दोनों पंजाबों ने सबसे ज्यादा। जो वो दुख है ना वो आज भी फैमिलीज में देखने को मिलता है, लेकिन जब करतारपुर साहब का कॉरिडोर बना तो उसके बाद कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो तब से मिली ही नहीं थी, 20-20 30-30 40-40 साल से बाद वो करतारपुर साहब में मिली। हाँ ये ऐसे कई वीडियोज भी देखे मैंने इमोशनल से, कई लोग 50-50 60-60 साल के बाद मिल रहे हैं, कई दो भाई मिल रहे हैं, भाई बहन मिल रहे हैं आपस में। तभी तो पंजाबी जो है हमारे वो इमरान खान को ज्यादा पसंद करते हैं बाकी किसी और पॉलिटिकल लीडर के।
हाँ, क्योंकि इमरान खान ने मिलवाने का ही काम किया है, भाई को भाई से, बहन को बहन से। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ग्रैंडफादर हैं जो वो अच्छा बहावलपुर अच्छा से आए थे, जब उनकी एज थी अराउंड 8 या 9 साल की थी, तब वो इधर इंडिया में आए थे। क्या बात है। बाकी जो मूवी का कॉन्सेप्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें जो कॉमिक पंचेस है और जो कॉमेडी सीन्स है बहुत अच्छे लगे मेरे को, बहुत है सही है। ना। बाकी जो कोलेबोरेशन देखने को मिल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, ये भी बहुत सही है। और पंजाब में ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब कि पाकिस्तानी और इंडियन कोलैब नहीं कर सकते। और शायद पंजाबी मूवीज़ तो पाकिस्तान में रिलीज़ भी होती है शायद, अब भी बॉलीवुड की मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ होना बंद हो गई है, लेकिन मैंने सुना है पंजाबी मूवीज़ शायद रिलीज़ होती है, क्या इंडिया की बात कर रहे पंजाबी हैं, मूवीज़। ओम हाँ जी ग्रुप हाँ ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लिया है इसका, तो कनाडा और जहाँ जहाँ पे खास करके पंजाबी और लोग रहते हैं ऐसी, वहाँ पर ये मूवी, देख मैं पंजाबी बोलने लग गया, वहाँ पर ये मूवी रिलीज होगी। ये डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे ऑडियंस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक कॉलोनी है वहाँ पे पंजाबी लोग बहुत रहते हैं, कनाडा में तो पता ही है आपको सरदार जी उतर, तो ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं, अमेरिका में भी है, तो वहाँ पर जहाँ पे इंडियंस रहते हैं पाकिस्तानीज रहते हैं वहाँ पर मूवी रिलीज करने का ठेका उन्होंने लिया हुआ जी, अच्छा, तो वो हो जाएगा, हो सकता है। तो ये मूवी हो सकता है वर्ल्ड वाइड अच्छा बिजनेस करे, इंडिया में सकता है कम बिजनेस करे, लेकिन हो सकता है वर्ल्ड वाइड ये मूवी अच्छा इंडिया में बिजनेस कर ले। पंजाब में ही रिलीज होगी ना वो, हाँ क्योंकि ऑब्वियसली पंजाबी फिल्म है तो पंजाब में रिलीज होगी ओनली, बाकी फिल्म तो अच्छी लग रही है, एक अच्छी रोमांटिक स्टोरी है, बस वही एक झूठ वाली बात, वही एक झूठ कैसा सब कुछ बदल देता है, वही स्टोरी इसमें देखने को मिलने वाली है कि अगर वो बंदा एक झूठ पे वो वही बात आ जाएगी ना कि तू प्यार तो वो अभी भी करती है, बट उसको वो तकलीफ वही है कि तूने झूठ बोला, झूठ बोला, और वो बात फिर कंट्री की भी आ फिर जाएगी, तो वो कंट्री की बहुत भी आ बड़ा झूठ हो गई, बहुत जाता बड़ा है। झूठ हो जाता कंट्री है, छोड़ो, रिलीजियन की बात है भाई, रिलीजन की भी बात है। रिलीजियन की भी वो बात वाला है। सीन क्या सही था, बस बस एक एक कमी रह गई वो केजी की तरफ देखता, वो बड़ा बड़ा ही मतलब शानदार वाला सीन था और यार। मैं तो भाई अभी भी क्लियर नहीं हूँ कि ये सच में इंडियन पंजाबी मूवी है पाकिस्तानी पंजाबी मूवी यार है। मुझे तो इंडियन ही लग रही है, क्योंकि इसके जितने भी आर्टिस्ट हैं हाँ, वो जो एडिटर मैक्स और इंडियन ही लग हाँ रहे हैं सब नाम से, इंडियन है, तो तो लाइक इंडियन पंजाबी मूवी प्रोड्यूस है बाय सनी राज, वरुण अरोरा, अमित जुनेजा एंड प्रभु, सो ऑब्वियसली तो इंडियन मूवी लग पक्का रही है। कंफर्म इंडियन मूवी। इसमें आतिफ असलम का भी सॉन्ग फीचर किया गया है, मतलब होने वाला है, तो वो सॉन्ग के लिए भी एक्साइटमेंट हो, नहीं जितना सुना है अच्छा था। इमरान अब्बास अच्छा एक्टर है, कौन सी मूवी में उन्होंने काम किया था, ए दिल है मुश्किल, नहीं, हाँ ए दिल मुश्किल था हाँ इमरान अब्बास, वो पहले भी काम कर चुके हैं बॉलीवुड के लिए, हाँ लेकिन इमरान अब्बास एक्टर है और चार्मिंग लगते हैं, हैंडसम यार, तो मेरे ख्याल से जिस चल तरह सकती है मूवी। वो दिखाया है ना उनका मेकअप एंड ऑल, मतलब एक्ट्रेस का जिस तरह से मेकअप है और जो लोकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल लव लव स्टोरी स्टोरी बनी हुई होने है और वाली है। बहुत ब्यूटीफुल एक्टर्स है मतलब। हाँ और पाकिस्तान में मुझे लगता है पक्का होने वाली है मूवी रिलीज, लेट्स क्योंकि सी। पाकिस्तान की मौला जट जो मूवी थी वो भी इंडिया के पंजाब में रिलीज हुई थी, तो और ये शायद और इलेक्शन के रीजन टाइम पे भी हो है रही है ना। ये, मुझे लग रहा है समहाउ रीजन भी यही है, कोलेब्रेशन इसीलिए हुआ है कि पाकिस्तान में भी ये मूवी रिलीज होगी, हाँ हो सकता है, हो है सकता ना। है, पॉसिबल। और अच्छा एक और बात है, 16 तारीख को ये मूवी रिलीज हो रही है, 16 तारीख को शायद पाकिस्तान में इलेक्शन भी है अच्छा अगर ये वर्ल्ड वाइड, हाँ शायद मेरे ख्याल से 16 तारीख को ही है, आप लोग कमेंट करके बताना कब है आपके यहाँ पे इलेक्शन यार, क्योंकि अगर वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे होगी तो मेरे ख्याल से मूवीज तो लोग वहाँ पे कम ही देखते हैं थिएटर में, तो इलेक्शन होगा तो और कम देखेंगे, तो रिलीज में तो बहुत कम पैसा मिलेगा पूछे को, अगर पाकिस्तान में रिलीज हुई तो बाकी बाई कंटेंट में चांस दम हुआ तो मुझे लगता है बाद में पैसा पिक्चर कमा अच्छी भी जाएगी, चलेगी और लग बाद में भी जाए लोग देख लेंगे। देखते। लेट्स सी। बाकी फिलहाल ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि सच में कंटेंट में दम है और कॉमेडी हो, यही तो चाहिए यार इंडिया पाकिस्तान की आवाम को। मोहब्बत, दिल टूटना, फिर से जुड़ना, हैप्पी एंडिंग, यही सब तो चाहिए हमें, पिक्चर का हैप्पी तो एंडिंग हो जाए। सब कुछ है, मतलब फैमिली मूवी है पूरी, तो बढ़िया था लगा ट्रेलर मुझे। आप बताना भाई आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर लेट्स सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक टेक लव केयर। नॉट वॉर।